जी तो दोस्तों, नए लेसन के साथ शुजा हैदर द जापान हाउस से आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट टाइम हमने किया था बू पे ख़त्म होने वाला वर्ब, आज हम करेंगे नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की एक एग्जांपल। नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स, मिसाल के तौर पे आज हम करेंगे, अच्छा पिछले लेसन में ये लेसन नंबर आप फॉलो कर सकते हैं, नू पे ख़त्म होने वाला लेसन जो था लेसन नंबर 23 था। तो अब अगर आप लोगों को इसमें जो कुछ हम करेंगे अगर आपको समझ में ना आए तो लेसन नंबर 23 को पहले अच्छी तरह से देखें और फिर लेसन 23 जब आपकी समझ में आ जाए तो आप इसको देखें। हम करते हैं शिनू। शिनू का मतलब है मर जाना, टू डाई, ठीक है, मरना। तो शिनू मरता हूँ या मरूँगा, और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी शी नी मा सु। जैसा कि आप लोगों को पता है तरीका, नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब है तो वर्ब जो है जब थर्ड कॉलम पे ख़त्म होता है, आपको रेगुलर फॉर्म आपको मालूम है कि इसकी रेगुलर फॉर्म जो होती है थर्ड कॉलम पे ख़त्म होती है, और जब हम इसकी मस फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, थर्ड कॉलम के वर्ड को रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के वर्ड से। तो ना नी नू, नू जो है थर्ड कॉलम का है तो इसका सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। तो नू की जगह नी लगा देंगे और मस लगा देंगे, शिनी मस, मरता है, मर जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो हमारा वर्ब है जो हमने करना है शिनू का। अब हम इससे लाइन नंबर 11 बनाएंगे और लाइन नंबर 11 है शिनी ताइदिस, शिनी ताइदिस, मरना चाहता हूँ, ठीक है, मरना चाहता हूँ, शिनी ताइदिस। तो वॉन्ट टू डाई, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, वॉन्ट टू डाई, नहीं मरना चाहता, क्या हो जाएगा, शिनी ताइदिस। हम पिछले लेसन में कर चुके हैं कि ताई जो है उसके आखिर में ई आ रहा है तो ये बिहेव करता है ई एडजेक्टिव की तरह, यानी ई हटा के कुनाई लगा देंगे, ताकू नाई दिस, शिनी ताकू नाई दिस, नहीं मरना चाहता, डोंट वांट टू डाई, ठीक है। लेसन नंबर लाइन नंबर 13 क्या है जनाब, मरना चाहता था शिनी ताई। अब ताई दिस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, शिनी ताई दिस, तो ई एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करता है, तो ई एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी पास्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ई हटा के कत्ता लगा देते हैं, तो सिंपली हो जाएगा शिनी ता कत्ता दिस, मरना चाहता था शिनी ता कत्ता दिस, वांटेड टू डाई। अब सब्जेक्ट में आई है या यू है या ही है, जो भी है, फिलहाल हम आई लगा लेते हैं, आई वांटेड टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, वगैरह वगैरह। 14 क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शिनी ताकू ना कत्ता दिस, डिड नॉट वांट टू डाई, डिड नॉट वांट टू डाई, नहीं मरना चाहता था। तो ये हो जाएगा शिनी ताकू ना कत्ता दिस। देखें कैसे बनाए, हम पिछले लेसन में भी कर चुके हैं कि नाई दिस की पास फॉर्म, मैंने बताया था आपको, नाई दिस की पास फॉर्म हमेशा होती है नकत्ता दिस, जहाँ पे भी आपको वर्ड लिखा हुआ नज़र आए नाई दिस, इसको जो है आप समझ लें कि इसकी पास फॉर्म जो हो जाएगी नकत्ता दिस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, शिनी ताकू नाई दिस, मरना नहीं चाहता हूँ, तो शिनी ताकू नाई दिस, मरना नहीं चाहता था, इसी की पास बन गई तो नाई से नकत्ता हो जाएगा, शिनी ताकू नकत्ता दिस, नहीं मरना चाहता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, लाइन नंबर 15 है माशो फॉर्म, यानी कि आओ ये करें, ठीक है, आओ मरें, चलिए लेट अस डाई, लेट अस डाई। इसका तरीका हमने आपको बताया था कि नू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, जो भी आखिरी अल्फ़ाबेट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके फिफ्थ कॉलम के वर्ड से। तो शिनू नू पे ख़त्म, नू जो है ना नी नू ने नो, इसका फिफ्थ कॉलम का वर्ड क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, तो शिनो
और आगे उसको स्ट्रेच करने के लिए ऊ लगा देंगे शिनो, ठीक है। इसकी मस फॉर्म बन जाएगी शी नी मा शो, शिनी मा शो, ठीक है। शिनी मा शो बहुत आसान तरीका है, मस की जगह माशो लगा देंगे तो लेटर्स के मीनिंग में आ जाएगा। आओ चलो मरते हैं, ठीक है। शिनी मा शो लेटर्स की फॉर्म है ये, इसका जो है ये लाइन जो है लेटर्स के लिए आती है, आओ ये काम करें, ठीक है। अच्छा जी, लेसन नंबर 16 क्या हो जाए, लाइन नंबर 16 क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 16 है इजाज़त लेने को कहते हैं कि क्या ये काम करना ठीक है, क्या मैं मर जाऊं, क्या मरने की इजाज़त है, क्या तरीका है। शिंदे वर्ब की ते फॉर्म बनाते हैं, नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब, हमने बताया था बू पे, नू पे और मुँह पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म बनाने का सिंपल सा तरीका है कि उनका आखिरी अल्फ़ाबेट हटा के बू पे, नू पे और मुँह पे, इन तीनों वर्ब की जब ते फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं, इनको हटा देते हैं और उंग लगा देते हैं और दे लगा देते हैं। तो शिनू से हो जाएगा शिंदे, शिंदे मो ईद इसका, शिंदे मो ईद इसका, क्या मरने की इजाज़त है। शिंदे मो ईद इसका, मे आई डाई, ठीक है, मे आई डाई, क्या मरने की इजाज़त है। शिंदे वा इके मा सेम, मरना मना है, मरने की इजाज़त नहीं है। क्या हो जाएगा इसका तरीका है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगा देंगे और इके नाई रेगुलर फॉर्म है और मस फॉर्म हो जाएगी इके मा सेन। शिंदे वा इके मा सेन यो, शिंदे वा इके मा सेन, मरने की इजाज़त नहीं है। यो जो है वो हमने जैसे पहले लेसन में पढ़ा था, पिछले लेसन में मर्द जो है जुमले के आखिर में यो लगा देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, बस ऐसी शिंदे वाई के मास हैं यो, ठीक है। और औरतें जो हैं जुमले के आखिर में वा लगा देती हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस एक बोलने का तरीका है, तकिया कलाम कह लें आप, आदत कह लें। तो औरत ये जुमला बोलेगी तो कहेगी शिंदे वाई के मास हैं वा, ठीक है जी। थोड़ा सा जनाना लहजा बनाना पड़ता है, जब मैं औरत की बात करूँगा तो जनाना लहजे में बात करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये कि आप मरें ना मरें वो आपकी मर्जी है। शिंदे मो, शिंदे मो शीना नाकुते मो ईदिस, ठीक है, जैसा भी कर लें ठीक है, मरें तो भी ठीक है, ना मरें तो भी ठीक, ठीक है। लाइन नंबर 19 क्या है जनाब, लाइन नंबर 19 ये है कि ऐसा कर लेना बेहतर रहेगा, मर जाना बेहतर रहेगा। तो इसका क्या करेंगे, हम ता फॉर्म लगा देंगे शिंदा और उसके आगे हो होगा, शिंदा होगा ईद इस, मर जाना बेहतर है, इट इज़ बेटर टू डाई। अगर आप लोग चाहते हैं तो लिख देता हूँ, इट इज़ बेटर टू डाई, ठीक है। ना मरना बेहतर है, क्या हो जाएगा, शीना नाई होगा, शीना नाई होगा ईद इस, ना मरना बेहतर है। और लाइन नंबर 21 क्या है, चलिए लाइन नंबर 21 और 22 को हम ऊपर लिखते हैं, नहीं करना बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी शीना नकुते वा, शीना नकुते वा इके मासेन या इके नाई, और शीना नकते वा नारा नाई, ठीक है, शीना नकते वा नारा नाई देसियो, ठीक है, नारा नाई देस भी लगा लें आप, शीना नकते वा नारा नाई या शीना नकते वा इके नाई, इनकी मस फॉर्म हो जाएगी इके मासेन, ठीक है, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी नारी मासेन, ठीक है। मतलब वही है, शिनानक तेवा अगर नहीं मरोगे तो नहीं चले, इके नाई दिस नॉट अलाउड, नहीं मरना अलाउ नहीं है, यानी मरना ही पड़ेगा, मरना मरना ही पड़ेगा, वो क्या है, धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा, व्हाटएवर।
अच्छा जी, लाइन नंबर 22 पे चलते हैं। इसका भी वही मतलब है, शीना नख तेवा, शीना नख तेवा नारी मासेन। असल में लाइन नंबर 21 और 22 मैंने एक साथ ही करा दिया। इकेन आई दिस, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलें, दो दो लाइनें जैसे चल रहा है पैटर्न वही चलाते हैं। इकेन आई दिस या इके मासेन, गड़बड़ हो गई सारी। इकेन आई दिस शिनानक तेवा इकेन आई दिस या इके मासेन, शिनानक तेवा इके मासेन। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है इके नाई दिस से और इके मासेन से, और इस तरीके से भी बन सकता है शीना नकुतेवा नारा नाई दिस या शीना नकुतेवा नारी मासेन। ये मस्वाम है, मतलब दोनों का, लाइन नंबर 21 और 22 का मतलब एक ही है। कहने के दो तरीके हैं, कोई कहता है शीना नखते व नारी मासेन, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा, और शीना नखते व इके मासेन, ना मरने की इजाज़त नहीं है, ना मरना ऑप्शन ही नहीं है, यानी मरना ही मरना है। तो ये है नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, आप सारे वो वर्ब करते हुए आ रहे हैं, पिछले लेसन्स में आपने किया हुआ है, तो इसमें आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।